हेलो भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। और गाइज, आज हम इन पाइप की और इस ढक्कन की मदद से एक बहुत बढ़िया सा एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, जो एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर होगा और ये धमाकेदार आवाज निकालेगा। तो चलिए गाइज, इस एम्पलीफायर को बना लेते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो भाइयों देख सकते हैं, एक ढक्कन है मेरे पास और दो पाइप है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा पाइप है ना, तो इस पाइप को मुझे बीच से काटना पड़ेगा और इसकी एक प्लेट बनानी पड़ेगी गर्म करके। तो काटने के लिए मेरे पास ये ब्लेड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर पहले काट लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको बिल्कुल बीच से हमें काट लेना है कुछ ऐसे। ये देख सकते हो भाइयों, बीच से मैंने काट लिया है। और अब चलिए इसकी प्लेट बना लेते हैं। और इसे गर्म करने के लिए हमारे पास ये हॉट गन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस हॉट गन की मदद से इसको मैं गर्म करके आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। तो मैं सारे प्रोजेक्ट इसी प्रकार से बनाता हूँ, बहुत आसानी से बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। आपको इसे चारों तरफ से गर्म करना है और ये बिल्कुल आसानी से गर्म हो जाएगी और फटाफट से इसकी प्लेट बन जाएगी। तो भाइयों देख सकते हैं कितनी बढ़िया प्लेट बन चुकी है। और भाइयों अब हमारे पास ये जो ढक्कन है ना, तो इसका सामने वाला हिस्सा हमें वाइट बनाना है। इस पेंसिल की मदद से चारों तरफ निशान लगा देंगे कुछ। तो चलिए भाइयों इस प्लेट को कट कर लेते हैं। और कट करने के लिए हमारे पास ये जिग्सा मशीन है, आप देख सकते हैं। तो भाइयों देख सकते हैं ये हमने बहुत आसानी से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब हमारे पास ये वाला पाइप है, तो इसमें से हमें छोटा सा टुकड़ा इतना सा काटना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं। और भाइयों इसकी क्या जरूरत है ये आपको आगे पता लग जाएगा। तो भाइयों देख सकते हैं ये हमने काट लिया है। और भाइयों अब मेरे पास यहाँ पर एक शीट है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक की। तो हमें यहाँ पर ये जितना हमने काटा है ना, तो इसके अंदर से हमें दो गोल हिस्से इसी प्रकार से काट लेने हैं। ये देखिए जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं इस जिग्सा की मदद से। तो भाइयों देख सकते हैं दोनों ढक्कन हमने काट लिया, ये देखिए। और ये रहा इसका बाहर का कवर जो हमने पहले काटा था। तो इस प्रकार से स्टैंड हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब हमारा ये जो ढक्कन है, तो हमने इसके ऊपर ये वाला ढक्कन काटा था कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो चलिए अब ये स्पीकर जैसे लगेगा, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं ढक्कन की। तो ये जो हमारा स्पीकर है, इसमें देखिए ये वाला हिस्सा इसका उभरा हुआ है। तो ये वाले हिस्से को हमें यहाँ पर इस प्रकार से काटना है कि ये हिस्सा बाहर निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए भाइयों मेरे पास ये एक यहाँ पर टेप है, आप देख सकते हैं। और ये टेप इस स्पीकर पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल फिट बैठ रही है, जरा सा भी कहीं भी तिरछा विरछा नहीं है, एकदम बढ़िया आ रही है ये। तो इसका मतलब ये टेप बिल्कुल स्पीकर के साइज की है। तो हम इस टेप को ही यहाँ पर रख करके यानी निशान लगा लेंगे। और अब चलिए इस निशान को हम काट लेते हैं। तो भाई देख सकते हैं ये कट गया है और ये बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब देखिए जो स्पीकर है हमारा, तो ये वाला हमारा जो ढक्कन है ये इस प्रकार से स्पीकर के अंदर आ जाएगा। और देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्पीकर भी हमारा लग चुका है। तो और अब हमारा ये जो ढक्कन है ना, तो इसमें हम कुछ इस प्रकार से इसको लगा देंगे, ये देखिए। तो चलिए भाइयों इसी स्पीकर को मैं साइड में रख दे रहा हूँ। और भाइयों एम्पलीफायर और ब्लूटूथ हमारे पास ये रहा, आप देख सकते हैं। तो भाइयों इसके कनेक्शन ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं और इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी है कैसे कनेक्शन होते हैं, आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हो। ये ब्लूटूथ है, ये एम्पलीफायर है, ठीक है। और ये इसकी पावर सप्लाई की है, ठीक है। भाइयों यहाँ पर आपको रेड और ब्लैक दिख रहा है, तो ये बैटरी के वायर है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला वायर इसका आउटपुट का है, आप देख सकते हैं, ये स्पीकर का वायर है। तो ये हमारा जो स्विच है इसको हमें यहाँ पर लगा देना। और भाइयों ये मैंने कट पहले ही कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है कट करने में। ये देखिए बहुत आसानी से यहाँ पर लग गया है। और अब चलिए यहाँ पर ये जो सर्किट है अपना, इसको यहाँ पर लगा देते हैं इस प्रकार से। और भाइयों यहाँ पर बैटरी मैं दो यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं 2200 mAh की 3.7 वोल्ट की बैटरी है और दो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाइयों। तो इन बैटरियों को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए इनको लगा लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बैटरी के ही कनेक्शन कर लेते हैं हम। तो हमें यहाँ पर एक बैटरी का वायर, ये माइनस वाला, हमें यहाँ पर सीधा इसमें बैटरी में माइनस पॉइंट पे ही लगा देना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है भाइयों। और बचा एक वायर सर्किट का, जो बैटरी वाला एक वायर है, तो इसको हम यहाँ पर स्विच में लगाएंगे और स्विच से हम बैटरी में लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से इसके कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्विच में इसको लगा देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने स्विच में लगा दिया है एक वायर। और अब यहाँ पर एक वायर लेकर के हम सीधे बैटरी में लगा देंगे। और भाइयों वायर हमारे पास ये रहा रेड कलर का, तो चलिए इसको लगा देते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये बहुत सिंपल सा कनेक्शन है भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है इस सर्किट में। तो ये देखिए भाइयों, बैटरी के साथ में सर्किट के कनेक्शन हो चुके हैं, ये देखिए। और भाइयों अभी इस सर्किट को चार्ज करने के लिए हमारे पास ये चार्जिंग मॉड्यूल है, ये देख सकते हैं। लेकिन भाइयों इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं जैक नहीं है, ये उखड़ गया है जैक, इसलिए हम एक्सटर्नल जैक लगाएंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर जोड़ देना है इस प्रकार से, और इसकी जो आउटपुट है वो सीधी हमें बैटरी में जोड़ देनी है। तो सबसे पहले इस जैक को हम यहाँ पर लगा देंगे, और ये जैक हम इसमें बाहर पीछे से यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले होल कर जाए, ठीक है भाइयों। और होल करने के लिए हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, तो भाइयों देख सकते हैं होल हमने कर दिया है। और अब चलिए हमारा ये जो जैक है ना, तो इस जैक को हम यहाँ पर इस तरीके से अंदर डाल देते हैं इसमें, ये देखिए। और चलिए अभी से अंदर से हम एलपी की मदद से चिपका देते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए। और भाइयों अब चलिए ये जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है, तो इस चार्जिंग मॉड्यूल को हम यहाँ पर इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो प्लस वाला हमारा रेड वायर है, तो रेड को हम रेड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा रेड वायर, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है, और इसी प्रकार से हमें ये भी लगा देना है। तो देख सकते हैं भाइयों, चार्जिंग मॉड्यूल भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से हम इसे चार्ज करेंगे, ठीक है भाइयों। और अब चलिए इसे चार्जिंग मॉड्यूल के जो हमारे आउटपुट है, ये हम सीधे बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, ये रही इसकी आउटपुट। तो एक्स्ट्रा वायर हमें नहीं रखना है, इसलिए हम छोटा कर देते हैं वायर को। तो चलिए भाइयों बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं भाइयों, रेड को रेड के साथ जोड़ दिया, और अब इसी प्रकार से ब्लैक को हमें ब्लैक के साथ में जोड़ देना है, और ब्लैक हमारा ये रहा। तो भाइयों इस प्रकार से मेरे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, ये देख सकते हैं, बैटरी के भी और सर्किट के भी, ठीक है। बस हमारा ये हमारा जो आउटपुट है स्पीकर के साथ, ये रह गया, और स्पीकर हमारा ये रहा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो चलिए भाइयों यहाँ पर हम इस प्रकार से इनको तार को जोड़ देते हैं, ये देखिए। तो चलिए पहले इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं इसको बटन को ऑन करूँगा तो ये बजना चाहिए, ये देखिए। तो भाइयों देख सकते हैं आप, यहाँ पर जैसे मैंने बटन दबाया ये हमारा ऑन हो गया, इसने सिग्नल दे दिया। तो अब चलिए इसका मतलब हमारा सर्किट ठीक है, और अब चलिए ये पूरा कनेक्शन को हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे फिट कर देते हैं, ठीक है भाइयों। तो अब चलिए इसको पैक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी को ही लगा लेते हैं। तो बैटरी को मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर साइड में खड़ी कर दूंगा, ये देखिए बहुत आसानी से हो जाएगी। और इसको हम ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए। तो इस सर्किट को भी हम यहाँ पर इस प्रकार से ही लगा देंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले सर्किट को चिपका देते हैं यहाँ पर। तो चलिए सारे सर्किट को ही हम एक साथ चिपका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इसको बिल्कुल आसानी से आप चिपका दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा मॉड्यूल भी और सर्किट भी और बैटरी अच्छी तरीके से चिपक चुके हैं। और अब ये स्पीकर है हमारा, ये देख सकते हैं। तो चलिए इस स्पीकर को भी हम यहाँ पर इस प्रकार से इसमें लगा देते हैं। ये थोड़ा सा आपको केयरफुली लगाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठ जाए, ये देखिए। जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी लगाना होगा। तो भाई ये देख सकते हैं स्पीकर को भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा दिया है, और देखने में कुछ इस प्रकार का ये लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसे बैग में भी आप आसानी से लेकर के जा सकते हो। तो चलिए इसका स्टैंड बना लेते हैं। तो चलिए भाइयों यहाँ पर इन ढक्कन को कुछ इस प्रकार से हम लगा लेते हैं, ये देखिए। और फिर इस पर यहाँ पर एलपी लगा लेना है ताकि ये अपनी जगह रुक जाए। तो देखिए एक साइड से बढ़िया तरीके से चिपक गया है, और अब चलिए इधर से भी हमें चिपकाना है। तो ये रहा ढक्कन इसका। तो चलिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से हम चिपका देते हैं, ये देखिए। तो अब चलिए भाइयों यहाँ पर अभी इसे हम स्पीकर को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये रहा। तो इस पाइप को हमें यहाँ पर बीच में इस प्रकार से चिपका देना है। तो इसको बाद में मैं पेंट कर दूंगा। तो अब चलिए हमारा जो स्पीकर है इसको इसके ऊपर हम लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो चलिए भाई उसको यहीं पर चिपका देते हैं एलपी की मदद से बहुत आसानी से यहाँ पर। तो देख सकते हैं भाइयों, और चिपकने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए ये अच्छी तरीके से चिपक गया है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का लग रहा है, ये देखिए। तो ऐसे इसका स्टैंड बन गया, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, कैसे भी इसे बजा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस पर पेंट भी कर देते हैं। तो चलिए भाइयों इस पर हम पेंट भी कर देते हैं। और पेंट करने के लिए हमारे पास ये स्प्रे पेंट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इससे स्प्रे कर देते हैं इस पर। तो बहुत आसान है इस पर स्प्रे करना, ये देखिए। तो भाइयों देख सकते हैं एम्पलीफायर बन करके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इसमें जो मैंने पेंट किया था वो भी बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ठीक है भाइयों। और अब चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। और ये रहा हमारे पास दूसरा मोबाइल। तो चलिए सबसे पहले इसको एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ये रहा इसका ब्लूटूथ, और इसे भी मैं ऑन कर
तो ये देखिए जैसे मैंने ऑन किया आवाज़ आ गई आपको, और ये देखिए भाइयों यहाँ पर ये मैंने कनेक्ट करके देख लिया था, तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है भाइयों। और अब चलिए इसमें यहाँ पर कुछ गाना बजा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो देखिए गाइस कितना बढ़िया आवाज़ दे रहा है, और इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। तो गाइस ये पुदीने वाला डायलॉग बहुत फेमस हो रहा था, इसलिए गाने में भी आ गया। आप देखिए मैं बजा रहा हूँ, और ये इसकी फुल वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। तो ये प्ले करके देखते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए गाइस इसको मैं ऐसे फोल्ड करके और इसे मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा जिससे कि इसमें शॉर्ट ना हो। और तो भाइयों बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है, और इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हो। तो गाइस इसे बना करके जरूर देखना।